ये लॉकेट आपके पास कैसे है? वो मैं तुम्हें बताने ही वाला था। बताने वाला था? क्या बताने वाले थे? मैंने बताने का ट्राई भी किया था हॉस्पिटल में, वो मुझे लगा पर्दे के पीछे तुम हो, हमारी आई ने सब सुन लिया, सब सुन लिया उन्होंने। आई ने सुन लिया? क्या सुन लिया आई ने? बताने वाली थी? क्या बताने वाले थे? बोलिए सर, क्या बताने वाले थे आप? शिवांगी, क्या बोलिए, क्या सुना मेरी आई ने? वो शिवांगी, तुम्हारे बाबा का जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, उस कार में मैं भी था। शिवांगी, सारी गलती मेरी है, तुम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकती। और मेरी वजह से तुम्हारे बाबा इस दुनिया से चले। लास्ट मोमेंट पे मैंने गाड़ी का स्टेयरिंग घुमा दिया और तुम्हारे बाबा का एक्सीडेंट हो गया। कुछ जाने अनजाने सब कुछ गलती से हुआ है, सारी गलती मेरी है शिवांगी, सारी सारी गलती मेरी है, किसी और की गलती नहीं है। इतना बड़ा सच आपने मुझसे छुपाया, इतना बड़ा धोखा। मैंने कुछ नहीं छुपाया, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम्हारे वो बाबा है। मैं जब बरसी पे आया तो मुझे पता चला कि वो है तुम्हारे बाबा। आई सो है, मैं बताना वाला था। बहुत टाइम हो गया था सर। आपके पास बहुत मौके थे, कार में, उस लॉज में जिसमें हम रुके हुए थे, बहुत सारे मौके थे जहां पे हम अकेले थे, जहां पे आप मुझे सच बता सकते थे। लेकिन आप छुपाते रहे। मैं इतनी बेवकूफ हूं, मैं इतनी बेवकूफ हूं, से प्यार में पड़ती गई, पड़ती गई। बाबा के कातिल से क्या? दीदी, गोल्डी, गोल्डी तुम्हें मेरा काम करना होगा। दीदी आप हुक्म करो। शिवांगी पुलिस को एक्सीडेंट के बारे में जरूर बताएगी, और अगर इस मैटर में एजी पुलिस के सामने आ गया तो मेरा नाम भी बाहर आ सकता है। तो कुछ भी करके हमें शिवांगी को रोकना होगा। बताओ क्या करना है, आपने कुछ सोचा होगा ना? मैं तुम्हारे प्यार के लायक ही नहीं। तुम मुझे जो सजा दोगी मैं मानने को तैयार हूँ। I'm really serious। तुम जो बोलोगी मैं करने को तैयार हूँ, जो सजा दोगी मुझे तैयार है। जो कुछ भी हुआ है वो अनजाने में हुआ है, मैं गुनहगार हूँ तुम्हारा।
मेरे बाबा को इंसाफ दिला के रहूंगी मैं, और आपको तो सजा मिलेगी, लेकिन मैं नहीं दूंगी, कानून देगा। एक मिनट, क्या कहा आपने? किसी और को ब्लेम नहीं कर सकती मैं, ऐसा क्यों कहा आपने? क्या कोई और था उस दिन आपके साथ? आपने क्या करवा दिया? लेंटर लग जाएंगे, ऐसी तैसी हो जाएगी, सब सब कुछ गुड़गोबर हो जाएगा। पुलिस घर पे आ रही है पूछताछ करने के लिए, क्या 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 करेंगे? अब पकड़े जाएंगे, अब सारी जिंदगी जेल में रहना पड़ेगा क्या? ज़िप इट गोली। ऐसा कुछ नहीं होगा, ना तुम्हें कुछ होगा ना मुझे। मैडम, वो पुलिस वाले बुला रहे हैं, पूछताछ करना चाह रहे हैं। ओ, हम आते हैं। कंपोज योरसेल्फ, पुलिस को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कार को फॉरेंसिक के लिए भेज दिया, कुछ भी पता चलेगा तो आई विल अपडेट। इंस्पेक्टर जी, कुछ पता चला क्या हुआ मेरे आयान को? मेरा बच्चा, मुझे सब डिटेल्स चाहिए प्लीज। देखिए, ये तो कंफर्म है कि जब ब्लास्ट हुआ तब एजी कार में ही थी, लेकिन अभी तक बॉडी नहीं मिली है। क्यों, कैसे, इन सब को लेकर अभी हमारी जांच पड़ताल चालू है। अगर अगर उनकी बॉडी नहीं मिली है तो ये भी तो हो सकता है ना कि वो ठीक हो। बहुत इम्पॉसिबल सी बात लगती है, जिस तरह का ब्लास्ट हुआ है एजी का बच पाना मुश्किल है। पर ये ब्लास्ट हुआ कैसे? इतनी महंगी गाड़ी थी, उसमें इतने सारे सेफ्टी फीचर्स, तो फिर ऐसे कैसे ब्लास्ट हो गया? या किसी ने करवाया है? गाड़ी महंगी थी लेकिन पुरानी थी, कुछ मशीनरी में गड़बड़ होने के कारण फट भी सकती है। अब ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तो जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा। मुझे कुछ भी पता चलता है तो मैं आप लोगों को अपडेट करता हूं। इसे अंदर ले जाओ और आज सबके लिए सादा खाना बनेगा, ठीक है? जाओ। मामी जी, तुम ईरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। देखने आई हो कि एजी जिंदा है या मर गया? मुझे शिवांगी से मिलना, वो कॉल नहीं उठा रही है अब, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। अगर वो फोन नहीं उठा रही है तो तुम्हें ये समझ में नहीं आया कि उसे तुमसे बात नहीं करनी है, वो तुमसे नहीं मिलना चाहती है? जाओ यहाँ से। एक बार मेरी बात का विश्वास करना प्लीज, शिवांगी से मिलना बहुत जरूरी है। ईरा, शिवांगी की आई की तबीयत खराब है, वो पहले ही बहुत ज्यादा परेशान है, तुम्हें अगर उससे कोई बात करनी है तो मुझे बताओ। जो मैं बताना चाहती हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ शिवांगी को बता सकती हूँ। फिर से अपना कोई उल्लू सीधा करने आई होंगी ना तुम जैसी लड़कियों को और आता ही क्या है? हेलो,
ठीक है, मैं आ रही हूँ। मेरे जैसे लड़कियों के बारे में आपकी जो भी राय है, एक सच बता देती हूँ आपको। मेरे जैसे लड़कियां बिना किसी गॉडफादर, बिना किसी जान पहचान के मुंबई में आके इंडस्ट्री में आके नाम कमाना चाहती है। हमारी लाइफ आसान नहीं है, हर तरीके के लोग मिलते हैं, सिचुएशन का सामना करना पड़ता है अकेले। कभी कभी गोल्डी जैसे के सामने मजबूर बनना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं होता। मैं ये नहीं कह रही कि मैंने जो किया वो सही है, बस कह रही हूँ कि होता है, मैंने एजी को अपने फायदे के लिए यूज किया, वो गलत था, पर मैंने इसलिए किया क्योंकि गोल्डी जैसे चील कौवे नोच खाए, उससे तो बेटर मुझे लगा कि एक ऐसे इंसान के साथ रहूं जिसे मैं भले ही प्यार नहीं करती पर वो एक अच्छा इंसान हो, मैं उसके साथ सेफ फील करूं। अपनी एम्बिशन की कीमत मुझे गोल्डी जैसे इंसान के साथ सोकर चुकानी पड़ी, लेकिन इसमें मेरी अकेले की गलती नहीं है। गोल्डी जैसे लोग जो लोगों की और उनके सपनों का गलत फायदा उठाते हैं, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। दीदी दीदी शांत हो, क्या 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 हो, क्या रहा है, नॉनसेंस क्या कर रही हो आप? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। I can't take this. लड़ी वो दो कौड़ी की लड़की, वो बच गई और एजी जिसकी वजह से हमारा पूरा अंपायर चल रहा था वो चला क्या? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।